हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है और स्वागत करता हूं आपका अपने मोटो ब्लॉग चैनल ब्लॉग्स टाइम में एक बार फिर से। दोस्तों आज मैं फिर से एक बार PVTVS शोरूम में पहुंच चुका हूं जो कि सिवान के राजेंद्र पथ पे स्थित है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको TVS रेडर 125 के बारे में बताने वाला हूं। तो बने रहिएगा वीडियो में लगातार यही। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट ईयर 2021 में TVS मोटर ने इंडिया में अपनी न्यू 125 सीसी इंजन वाली बाइक रेडर को लॉन्च किया है। कंपनी ने लॉन्ग टर्म के बाद 125 सीसी की सेगमेंट में फिर से एंट्री की है। नई रेडर में इस बार काफ़ी कुछ नया और ख़ास देखने को मिल रहा है। कंपनी को पूरी उम्मीद है कि नया मॉडल उनके पोर्टफोलियो को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा। देखा जाए तो इंडिया में इस बाइक का सीधा मुकाबला होंडा SP125, बजाज पल्सर 125 और हीरो ग्लैमर जैसी बाइक से हो रहा है। तो आइए जानते हैं रेडर के कुछ खास स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके फ्रंट में इसके वाइजर से सबसे ऊपर TVS की 3D में ब्रांडिंग की गई है, और इसके जस्ट नीचे नंबर प्लेट लगाने के लिए स्पेस दिया हुआ है। और थोड़ा और अगर हम नीचे चलते हैं तो रेडर की लोगो और इसके नीचे पूरी LED सेटअप वाली हेडलाइट, जिसमें आप लो बीम और हाई बीम के साथ साथ DRL भी देख सकते हैं, जो सचमुच इस बाइक के लुक को काफ़ी इन्हेंस करता है। इसके बाद दोस्तों इस वाइजर के राइट साइड में एक छोटा सा इंडियन फ्लैग का स्टिकर जो हर इंडियन को ज़रूर पसंद आएगा। इसके बाद दोस्तों इस बाइक में आपको टर्न इंडिकेटर हैलोजिन बल्ब के रूप में मिलेगा, जो कि फ्लेक्सिबल नहीं है। चूँकि यह स्ट्राइकिंग रेड कलर में है, इसलिए इस बाइक की फ्रंट मडगार्ड भी आपको सामने से रेड में ही मिलेगी, और इसे ग्लॉसी फिनिश में दिया गया है। और इसके पीछे वाला भाग ब्लैक कलर में है जो मैट फिनिश में दिया हुआ है। इस तरह से यह दो टोन में आपको मडगार्ड देखने को मिलेगा। ब्रेकिंग की बात करें दोस्तों तो इसके फ्रंट में आपको 240mm का डिस्क और रियर साइड में 130mm का ड्रम देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको इस बाइक में CBS की जैसी ब्रेकिंग सिस्टम भी मिलेगी, जिसमें पीछे की ब्रेक लगाने पे आगे का ब्रेक भी साथ साथ लगता है, जिससे टायर स्केटिंग की समस्या काफ़ी कम हो जाती है। इसके साथ एलोविल की साइज आपको 17 इंच की मिलेगी और फ्रंट टायर की साइज 80/117 की मिलेगी। आगे की सस्पेंशन की बात करें तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा। दोस्तों इसके साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका टैंक जो है, इस पे आपको एक लोगो मिलेगा, हॉर्स का लोगो, जो कि TVS का अपना एक लोगो है। और इसमें आप 3 टोन में आप कलर देख सकते हैं, रेड, ब्लैक और ग्रे कलर में। और इस ग्रे कलर के पैनल पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे TVS का इंटेलिगो का स्टिकर देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों इस बाइक के मिड वाले पार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक रेडर की 3D में लोगो देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी स्टाइलिश लगती है और काफ़ी अच्छी लगती है। और इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बाइक में ये जो फुट रेस्ट है वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम लुक है। और इसके बाद ये पीछे वाला फुट रेस्ट, जिसे आप मूव भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके एग्जॉस्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसका एग्जॉस्ट भी काफ़ी प्रीमियम दिखता है, जो कि 2 कलर्स में है, एक ब्लैक है और इसके बाद एक ग्रे कलर का इसमें पैनल लगा हुआ है। इसके रियर व्हील की बात करें तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको एलोविल का साइज 17 इंच को मिलेगा, और इसमें जो टायर लगा हुआ है उसका साइज़ 190/17 आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी वाइड टायर है। दोस्तों मैं आपको इसके पीछे का लुक दिखाता हूं। इसके बाद इसके लेफ़्ट साइड प्रोफाइल में भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि इसमें आपको TVS का लोगो मिल जाता है, और यहाँ पे आपको हॉर्न मिल जाता है, और फिर यहाँ पे आपको इंजन गार्ड भी आपको रेड कलर में देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों इसके मिड पार्ट में आपको रेडर की वही 3D लोगो, और यहाँ पे FI की ब्रांडिंग,
इंजन की बात करें दोस्तों, तो कंपनी ने इसमें 3 वॉल्व वाला 124.8 सीसी का एयर कूल्ड इंजन दिया है और यह इंजन 7500 आरपीएम पे 11.2 बीएचपी की पावर और 6000 आरपीएम पे 11.2 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें आपको 5 स्पीड ट्रांसमिशन गियर बॉक्स भी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आप इस पैनल पर भी देख सकते हैं जो कि हल्का सा टेक्सचर दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मैं आपको रियर साइड में ले चलता हूँ। रियर साइड में यहाँ आप से साड़ी गार्ड देख सकते हैं जो कि मेटेलिक फॉर्म में है, ब्लैक कलर में। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने इसे फुली स्पॉटी दिखने के लिए इसके ऊपर चैन कवर नहीं दिया है। हालांकि इस टाइप के चैन को काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस करना पड़ता है, लेकिन स्पॉटी दिखने के लिए ऐसा किया गया है। इस बाइक में आपको साइड स्टैंड कटअप स्विच के साथ मिलेगा, जैसे कि आपकी स्टैंड गिरी रहेगी तो आपकी बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब इसके पीछे के सस्पेंशन की दोस्तों बात करें तो पीछे का सस्पेंशन आपको मोनोशॉक 5 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल होगा। और इस साइड की बात करें दोस्तों तो यहाँ आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है पीछे साइड में, और फिर इस साइड भी एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसके रियर सेक्शन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है और यहाँ पे नंबर प्लेट का लाइट लगाने के लिए दिया गया है। और फिर इसके ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों तो यहाँ पे आप एक देख सकते हैं कि एक की होल बना हुआ है जहाँ पर आप चाबी लगा कर पीछे के सीट को ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर TVS की ब्रांडिंग। और इसके बाद दोस्तों इसका जो पीछे वाला जो रियर लाइट है वो टी शेप में दिया हुआ है जो कि LED फॉर्म में है, जो कि इसका जो शेप है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऊपर की तरफ चलते हैं दोस्तों तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पे आपको एक ग्रेवल देखने को मिलता है जो कि काफ़ी स्पॉटी दिखता है और ये ग्रे कलर में आपको देखने को मिलेगा। और सीट की बात करें दोस्तों तो सीट इसका स्प्लिट सीट में आपको देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा सीट है। पिलियन सीट भी काफ़ी कम्फर्टेबल है। इसका जो कुशन है वो काफ़ी कम्फर्टेबल मुझे लग रहा है और काफ़ी वाइड सीट है। चाहे राइडर की सीट हो या पिलियन सीट हो, दोनों ही काफ़ी कंफर्टेबल है लॉन्ग राइड के लिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आने वाली। अब टैंक की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कार्बन में आपको दिया गया है, कार्बन फिनिशिंग दिया गया है जिससे कि आपके टैंक पे किसी भी तरह की स्क्रैचिंग नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको पेट्रोल फिल करने के लिए ऊपर आपको लिड दिया गया है जहाँ से आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं। और इसके बाद इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिलेगी जो कि आप यहाँ से मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं, USB फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों इसका जो टैंक है वो आपको फुली फाइबर में मिलेगा, हालांकि इसके अंदर का जो टैंक है वो मेटालिक में है। इस बाइक के टैंक की कैपेसिटी 10 लीटर तक मिलेगी। दोस्तों अभी इस बाइक में कनेक्शन नहीं किया गया है इसलिए मैं इसके मीटर के फीचर्स को आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन इंस्ट्रूमेंट के लिए LCD स्क्रीन दिया गया है और इसमें स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, टैकोमीटर, ट्रिप मीटर, रेंज, माइलेज, राइड मोड एवं टॉप औसत स्पीड रिकॉर्ड की जानकारी देता है। इसके लेफ्ट हैंडल बार की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको कुछ बेसिक स्विच मिल जाते हैं, जैसे कि सबसे आगे आप देख सकते हैं कि इसमें आपको पासिंग स्विच मिल जाता है और इसके बाद यहाँ पे आपको हाई बीम और लो बीम का स्विच मिल जाता है और फिर टर्न इंडिकेटर के स्विच, लेफ्ट एंड राइट वाले स्विच मिल जाते हैं और इसके बाद यहाँ पर आपको हॉर्न के लिए स्विच मिल जाता है। दोस्तों इसकी पासिंग स्विच चूँकि ये रेड कलर में है इसलिए इसमें आपको रेड कलर में पासिंग स्विच मिलेगा। हैंडल बार के दाएं तरफ वन टच स्टार्टर बटन एवं इंजन किल स्विच की जगह पे राइट मोड का बटन दिया गया है। आप एक बटन में इको एवं पावर का विकल्प चुन सकते हैं। इसके राइडिंग पोजीशन की बात करें दोस्तों तो कंपनी ने इसमें अपराइट राइडिंग पोजीशन दी है जो कि स्पॉटी होने के साथ आरामदायक भी है। स्पॉटी रूप के लिए स्प्लिट सीटें दी हैं और ये काफ़ी ज़्यादा आरामदायक भी है। सीट हाइट 780 mm है जिसके चलते 5 फीट लंबाई वाले लोग भी इसे आसानी से चला सकते हैं। व्हील बेस 1326 mm है और इसमें 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है जो कि काफ़ी है। इस बाइक का कर्व वेट 123 kg है। कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसमें 67 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज पा सकते हैं।
इस बाइक का शोरूम प्राइस 93,341 रुपीज़ रखी गई है। ऑन रोड प्राइस की जानकारी आप पीवी टीवीएस शोरूम में आकर ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और साथ ही साथ जो लोग मेरे इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे ताकि आपको मेरे हर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से किसी नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड बाय।